सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। बहुत लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन होता है कि हम स्किप द डिशेस, ऊबर ईट्स, डो डैश ऐसी एप्लीकेशन पे जो डिलीवरी वाला काम होता है, हम वो से 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर 25,000 सब्सक्राइबर, मतलब 25,000 कर दिया आपने। बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया है, हर एक का दिल से शुक्रिया है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि एक चीज़ क्या हुई है, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपोर्ट भी हो चुका है, मतलब उसे डिपोर्टेशन लेटर मिलने ही वाली है। और हुआ क्या सीन, मैं आपको सारा चीज़ बता देता हूँ। तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कि क्या हम ऊबर ईट्स जो है वो 20 आवर्स से ज़्यादा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ऊबर ईट्स भी सिन पे होती है। जो भी काम कनाडा के अंदर होता है, जो एप्लीकेशंस जो भी हैं, है ना, वो सारी सोशल इंश्योरेंस नंबर पर होती हैं, चाहे वो आपसे मांगे ना। बट आपके जो आवर्स होते हैं ना, जो आवर्स उसमें शो होते हैं कि आप कितना ऑन टाइम आवर्स ऑनलाइन रहे और कितने घंटे आपने किया, ठीक है। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। वो प्लेस का मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक डिलीवरी गाय था, ठीक है, उसको स्किप द डिशेस का जो था वो ऑर्डर एक इमिग्रेशन जो बॉर्डर्स पे होते हैं ना, वहाँ से आया था ऑर्डर। उन्होंने ऑर्डर किया था क्योंकि उस लड़के के बारे में इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये लड़का 20 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। जब वो ऑर्डर लेके उस जगह पे गया, ठीक है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो भी बॉर्डर है, वहाँ पे उसका मोबाइल चेक किया गया। जब उसका मोबाइल चेक किया गया तो वहाँ से ये पता लगा कि उस बंदे ने 20 घंटे से ज़्यादा काम किया एज ए स्टूडेंट। तो फिर उसको बोला गया कि आप अपना पासपोर्ट ले आओ, ठीक है, ताकि वो डिपोर्टेशन की स्टैंप लगा सके। और उसे ये बोला गया आपके पास इतना टाइम है, आपको इंडिया जाना पड़ेगा कैनेडा छोड़ के। तो लगती तो बहुत छोटी बात है लोगों के लिए कि हाँ हम 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी लाइफ है, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। साइड वाला बंदा आपको बोल लेगा, ठीक है, मैं तो मना ही कर देता हूँ। कोई मुझसे कहता है भाई 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते, मैंने कहा नहीं, लीगली कर सकते हो, मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो कैसे कर सकते हो। वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, लेकिन स्किप द डिशेस, ऊबर ईट्स, ये सारे सिन पे हैं। ये आपको ये दिमाग में रखनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको ये माइंड में रखना चाहिए। और Q&A मैं कल वीडियो लेके आऊँगा, 2 Q&A रहता है, एक पिछले हफ्ते का Q&A और इस हफ्ते फ्राइडे का Q&A। तो फिर मैं 2 Q&A अगले वीक करूँगा, कल पिछले हफ्ते का Q&A रख दूँगा फ्राइडे वाला, और जो इस हफ्ते का है वो मैं मंडे या ट्यूसडे तक अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ के, ये आपकी लाइफ है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी चॉइसेस है, आपको क्या करना है। कोई और आपको बिल्कुल बचाने नहीं वाला आने वाला, आपकी लाइफ है, आप ही भुगतोगे। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई मैंने बोला था तो मैं बात करूंगा इमिग्रेशन वालों से, कोई बोलेगा ऐसे? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर लाइफ, आपको क्या करना है, ठीक है। ऊबर ईट्स और डोर डैश पे 20 आवर्स से ज़्यादा काम बिल्कुल नहीं करना है। सिन पे है ये, ठीक है, सोशल इंश्योरेंस नंबर पे सारा रिकॉर्ड जाता है। जब आप टैक्स फाइल करते हो उसमें भी आपको मेंशन करना पड़ता है कितने आवर्स आपने काम किए, तो फिर वो डिवाइड हो जाएंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे ने ना मार्च में वैसे होने चाहिए 20 आवर्स के अकॉर्डिंग, मतलब 120 या ऐसे, सॉरी 80 आवर्स, मतलब 4 वीक्स है ना, 20 20 20 20, 80 आवर्स होने चाहिए मंथ के, तो उसने किए हैं 100 150 आवर्स। तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, मैं भी कहता हूँ हाँ ज़्यादा नहीं होता, फॉर एग्ज़ाम्पल नज़रों में नहीं आता। लेकिन अगर बाई चांस नज़रों में आ गया फिर क्या करोगे? बाई चांस आपकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वही 3-4% चांसेस में से आपकी बारी आ गई और आपको इमिग्रेशन वालों से फ़ोन आ गया या आपका ऑर्डर आ गया वहाँ पे बॉर्डर पे छोड़ने के लिए, वो चेक करेंगे आपका फ़ोन, तो कैसा लगेगा?
थोड़े से काम के लिए, थोड़ी सी लालच के लिए अपना टाइम, मतलब ये अपनी लाइफ को मतलब ना डालना मुश्किल में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पैसे लगाए हैं और बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग है। आपका जो सारा फ्यूचर है, कनाडा में आए हो तो यहीं से शुरू होगा। अगर आपको वापस इंडिया जाना पड़ा तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। आपको भी पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ये मैं नहीं बोलने वाला, ये सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को अवेयर करें कि ये जो है ये सिन पर है। ठीक है, जो भी एप्लीकेशंस पे आप काम करते हो ये सोशल इंश्योरेंस नंबर पर ही होती है, चाहे आप दो या ना दो। आपने अपना बैंक अकाउंट दिया और आपका जो बैंक अकाउंट है वो सोशल इंश्योरेंस नंबर से कनेक्टेड है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। और वो बच्चा बेचारा डिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, उसे कोई बहाना नहीं चलता इमिग्रेशन के सामने। मिस्टेक इज मिस्टेक, ये भी नहीं कहते अच्छा तुमसे गलती होगी कोई बात नहीं अगली बार ना करना, वो सीधा ही डिपोर्ट कर देंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में किसी की बात सुननी हो, एनालाइज करना आपकी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ेगा या ना पड़ेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा, क्या वो इंसान आपके साथ खड़ेगा कि नहीं खड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग गाइडेंस देने वाले बहुत मिल जाएंगे, राइट गाइडेंस लेनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो मैं आपको राइट गाइडेंस दे रहा हूँ, मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन ऑफिशियल जॉब में आप फुल टाइम काम कर सकते हो, रीडिंग वीक में आप फुल टाइम काम कर सकते हो, सेमेस्टर के बाद जो 10-15 दिन की छुट्टी होती है हो, उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हो। इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आने के बाद भी अगर आपको पढ़ाई के बीच में करना है तो आप टोटली रिस्क ले सकते हो। ठीक है, अब मैं बिल्कुल नहीं डरा रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप लोगों ने ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। देखो आपके सामने मैं जितना भी बिज़ी रहता हूँ, काम पर भी रहता हूँ, मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, क्योंकि मेरा ये मोटिव है कि आप लोगों के साथ जुड़े रहना। एक कनेक्शन बन जाता है कि हाँ हर दिन प्रियांशु की वीडियो आ रही है, हमने देखनी है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो बनेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारी, हमें प्रियांशु की वीडियो से। तो इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, और कोई मतलब मेरा कंपटीशन भी नहीं है किसी से, मेरा तो खुद से कंपटीशन है। कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मेरा पुराना चैनल भी बंद हो गया है ना, उसमें मोनिटाइजेशन ऑफ होगी, फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया, अब फिर हम 25,000 सब्सक्राइबर पर आए हैं। अब धीरे धीरे क्या पता 3-4 महीनों में हम 50,000 सब्सक्राइबर कर लें, अगर यही रफ्तार रही तो आई गेस हो जाएंगे। बाकी हम कुछ नहीं कह सकते, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। जितना भी आप लोगों ने सपोर्ट किया, बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि किसी भाई का मतलब नुकसान ना हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।